सुना सुनाओ आओ रंजीत रेडियो बजाओ। सारे श्रोतियां नूं रंजीत कौर संधु सोनी दी प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों एहो जे संकट दौरान कोरोना महामारी के दौरान लगातार असी लोगों नूं अवेयर कर रहे हैं, हाथ तो वो सकारात्मक सोच अपना के रखो, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रखो, थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म पानी पीते रहो। और दोस्तों इस दे नाल ही रणजीत रेडियो एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं और कर ही दी है स्टार्ट कि पॉलीथिन बैग जड़े है वह तुसी बिल्कुल वरतने बंद कर दो। घरों ही कोई बैग लैके जाओ कपड़े का जिसे विच तुसी समान लैके आ सको। तो साडे रणजीत रेडियो दे यूट्यूब चैनल है, कमेंट करके दसो कि तुसी एक महीने दे विच किन्नी बार प्लास्टिक बैग यूज किया। तो लो जी हुण पेश ने अज दी ताज़ा खबरां। श्री हरिमंदर साहब दे लंगर विच वरते जाण वाले देसी घ्यो दा मुद्दा सियासी नजरिए तो गरमा रहा है। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देसी घ्यो दे श्रोमणी कमेटी अगे सवाल खड़ा किया। फिलहाल श्रोमणी कमेटी देसी घ्यो महाराष्ट्र तो मंगवा रही है। उन्होंने कमेटी नूं विचार करके देसी घ्यो दा ठेका वेरका नूं देण लई कहा है। उधर आम आदमी पार्टी विच प्रसिद्ध गायिका अनमोल गगन ने सियासत विच पैर रख लिया है। उन्होंने कहना है कि वह परिवारवाद की राजनीति से प्रतिक्रम जाहिर करते हैं, कहा कि हुण समा आ गया कि आम व्यक्ति के हकों की गल की जाए। भवानीगढ़ के पिंड बलियाल विखे एक किसान ने कर्जे तो परेशान होकर पिंड टोबे विच छाल मार के खुदकुशी करके अपनी जान लै ली। मृतक के सिर ते बहुत ज्यादा कर्जा सी, कुछ रकम 10 लाख के करीब दसी जा रही है ते जमीन भी विक चुकी सी। पिंड के सरपंच ते पतवंत सज्जणा ने मृतक का कर्जा माफ करने की मांग सरकार अगे रखी है ते परिवार की वित्तीय मदद की भी बेनती की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विच अकाली दल ढींडसा वाले धड़े नाल कोई भी संबंध होने की गल नकारी है। उन्होंने फेसबुक से लाइव होकर गल कही है। उन्होंने कहा कि यह नवी गल नहीं है कि एक अकाली दल का नवा दल बनया। 1984 तो बाद पंजाब विच 7 अकाली दल सन। उन्होंने कहा कि अकाली दल रवड़ वर्गा हो गया, कदे फैल जाता है कदे सुंगड़ जाता है। पंजाब विच लगातार वध रही कोरोना मरीजों की गिणती वधन कारण कुछ नए नियम बने ने। हुण विआह दे समागम विच दोनों परिवारों के सिर्फ 30 लोग ही शामिल हो सकणगे। जनतक मीटिंग विच सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकते ने। जो नियमों की उलंघना करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। मास्क पाना लाजमी होगा, थुकण ते सख्त पाबंदी होगी। दूसरे पासे कोरोना की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। मुख्यमंत्री जी के शहर पटियाला विच भी हुण तक मरीजों की गिणती 634 हो गई है। पंजाबी सिनेमा अते टैलीविजन के कलाकारां दी इकलौती संस्था नॉर्थ जोन टैलीविजन आर्टिस्ट एसोसीएशन के प्रधान गुरप्रीत घुग्गी की प्रधानगी विच तत्कालीन मीटिंग सदी गई, जो कि राजपुरा विखे गुरु नाम भुल्लर के शूटिंग वर्करां ते मामला दर्ज करन ते सख्त विरोध किया गया। तुसी सुन रहे हो जी रणजीत रेडियो तुसी खबरां सुन रहे हो। ते हुण कुछ कमांतरी खबरां। राजस्थान की राजनीति विच सियासी ड्रामा हो रहा। अशोक गहलोत सरकार की कुर्सी डगमगा रही है। मुख्यमंत्री दे स्पष्ट बहुमत होने दे दावे। अशोक गहलोत ने 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जबकि बैठक विच 106 विधायक शामिल सन। इस दौरान ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत ते सचिन पायलट नाल गलबात की। प्रोसेजोग सूत्रा मुताबक सचिन पायलट ने 4 शर्तां रखियां ने, जिस विच कांग्रेस के प्रदेश प्रधान का अहुदा बरकरार रखण तो इलावा गृह अते वित्त महकमे की भी मांग की है। उन्होंने अपने नाल 25 विधायक होने का दावा किया। दूजे पासे बीजेपी कह रही है कि अशोक गहलोत विधायकों नूं रिजॉर्ट विच छुपा रहे ने। जल्द तो जल्द फ्लोर टैसट की मांग की गई है। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ते अभिषेक बच्चन कोरोना महामारी तो प्रभावित हो गए सन। दोवें मुंबई के लीलावती हस्पताल विच दाखिल ने। दोवें विच कोरोना महामारी के हल्के लक्षण पाए गए। दोवें की हालत में सुधार ते स्थिरता है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज विच सख्ती की जरूरत नहीं। देश विच कोरोना संकट के समय भारतीय रेलवे मददगार के तौर पर अहम भूमिका निभाएगा। इसे महामारी दौरान हाईटेक रेलवे विच मैडिकल असिस्टेंट रोबोट हुण कोविड मरीजों की मदद करेगा। रेलवे हस्पताल विच जो कोविड मरीज दाखिल होके उन्होंने जरूरतां पूरियां करेगा ए रोबोट। उधर अमरनाथ यात्रा का आयोजन रोकने का हुक्म देने का सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिता है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा के आयोजन विच वरतियां जाने वाली सावधानियां ते फैसला लेना प्रशासन का काम है। तुसी सुन रहे खबर रणजीत रेडियो तो। हुण सुनदे हां कुछ अंतरराष्ट्रीय खबर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हुण गूगल के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई नाल गलबात की। भारत विच अगले 5 से 7 साल विच 10 अरब डॉलर जाने की 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन कोष के तहत किया गया।
ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 48,81,000 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5,71,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਲੂਸੀਆਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਰੂਸੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਦਿਮ ਤਾਰਸੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।